जय मिथिला, जय मैथिली, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है फिर से नए वीडियो में, और मैं हूं आप लोगों का दोस्त ऑल इंडिया बाईसाइकिल राइडर साकेत। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बोला था इससे पिछला वीडियो में कि मैं आप लोगों को गोविंदगढ़ का फोर्ट या गाविलगढ़ का फोर्ट घुमाने ले जाऊंगा, तो फाइनली भाई मैं आ चुका हूं। और आप लोग जो पीछे देख रहे हो ये मकान, यहाँ पर टिकट लगता है। टिकट आप लोगों को 20 या 25 रुपया लगेगा, और अगर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना चाहते हो कैमरा लेके तो उसका अलग से लगेगा पैसा, और फॉरेन के लोगों के लिए अलग टिकट है। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये फोर्ट अभी कैसा दिख रहा है। तो ये जो आप लोग देख रहे हो ये फोर्ट, ये है भाई गोविंदगढ़ का फोर्ट, और यहाँ पर एक छोटा सा तालाब भी है। भाई मैं जिधर भी जाता हूँ ना फोर्ट के पास, तो वहाँ पे तालाब जरूर रहता है, पानी का व्यवस्था जरूर किया रहता है, चाहे वो पहाड़ के काट के हो या ऐसे तालाब मतलब बना के रहता है, मतलब जरूर रहता है। और ये जो आप लोग पूरा देख रहे हो फोर्ट, यही है गोविंदगढ़ का फोर्ट। और भाई इसका मैं आप लोगों को हिस्ट्री भी बताऊंगा और सब कुछ बताऊंगा, बस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। और इसका ट्रैकिंग करके मैं दूसरा पार्ट जो है ना, ये है एक पहला पार्ट ये हो गया भाई, एक गेट यहाँ से है, ये जो आप लोग देख रहे हो ये यहाँ पर मेरे उंगली सामने, यहाँ से एक गेट जाता है और एक गेट उधर भी है, तो वो गेट भी मैं के पास भी मैं आप लोगों को लेकर जाऊंगा, जहाँ पे किला के अंदर जो पानी का व्यवस्था किया गया था वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये सब पूरा था गोविंदगढ़ का फोर्ट। और वहाँ पर भी भाई मैं एक देखा ना कि एक छोटा सा शायद सुरंग टाइप से है जो कि किला के अंदर जाता है, और अभी भी भाई ये किला थोड़ा बहुत संरक्षित किया गया है लेकिन उतना भी नहीं है। तो चलो मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ अंदर और दिखाता हूँ आप लोगों को गोविंदगढ़ का फोर्ट, और सैर करवाता हूँ आप लोगों को। और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये पूरा सारा पत्थर उत्थर रख दिया है, जो भी पत्थर सेट होता है उसमें लगा देता रहता है भाई, मैं बहुत जगह ऐसा देखा हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को फाइनली लेके चलता हूँ। और ये भाई संरक्षित स्मारक है, और ये है भाई वो गेट, ये देखो। और ये है यहाँ का नज़ारा भाई, ये देखिए आप लोग। और भाई मैं आपको बता दूँ, ये किला जो है ना, ये किला, हाँ ये जो किला है ना वो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक खुला रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है, तो आप लोग उससे पहले आ जाइएगा नहीं तो आप लोग घूम नहीं पाइएगा। और ये देखिए यहाँ से नज़ारा, वहाँ पर एक छोटा सा मिनी वाटरफॉल है भाई, हाँ हाँ वहाँ पर वाटरफॉल है, और बादल उदल भी है। ओए भाई साहब अब बंद हो गया। और ये था भाई ये किला, कैसे बना के रखे हैं यार। पहले मैं चढ़ूंगा इस पर, ये जो देख रहे हो आप लोग, पर चढ़ूंगा और इससे देखता हूं कैसे कैसे हमको जाना है। तो वीडियो में आप लोग जरूर बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो बाबा रे लाइक कर दे रे, सब्सक्राइब कर दे रे। भाई साहब क्या व्यू है, आप लोग देखो पूरा आवाज गूंज रहा है। हे इको पॉइंट, भाई साहब पूरा इको हो रहा है आवाज, आप लोग देख सकते हो कैसा है पूरा। उधर आप लोग देख रहे हो, ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये इधर भी है ये फोर्ट, आप लोग देख सकते हो। ये जो मेरे उंगली सी के ये आप लोगों को गेट देख रहा होगा, तो यहाँ पर है पूरा, है इधर भी है, तो मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये फोर्ट लगभग 1400 कुछ ईस्वी में बना है, और इसे पहले शायद गोंड राजा बनाया था, वही शासन करता था, उसके बाद इसे फिर मराठा ने कब्जा किया था, मराठा किया मुग़ल कब्जा किया था, मुग़ल से फिर मराठा लिया, मराठा से फिर मराठा एंग्लो युद्ध हुआ ना जब 1800 के आसपास, तो अंग्रेज इस किला पर आक्रमण कर लिया था भाई, और इस किला पर आक्रमण करके कुछ दिन शासन किया, उसके बाद फिर से इसे सौंप दिया था, एक और राजा था मराठा का ही, तो उसे सौंप दिया था, फिर उसके बाद वो भी राजा कुछ दिन यहाँ पर रहे, उसके बाद वो भी चले गए भाई यहाँ से। और हर किला में आप लोगों को ये मिल जाएगा, चाहे आप मैसूर में चले जाओ, कहीं पर भी, मत जितना भी आप लोगों को मैं किला दिखाया हूँ सब में कुछ ना कुछ गुप्त रहता है। और जब मैं मैसूर में
टीपू सुल्तान का किला आप लोगों को दिखा रहा होगा, तो उसमें देखे होंगे आप लोग ऐसे तीन वाला व्हील रहता है, ऐसे वाला रहेगा, आप लोग जाके कभी देखना, वैसे मैं दिखा दिया हूँ, तो जो लोग नहीं देखा है जाके प्लीज देख लीजिएगा। और यहाँ से भाई पूरा चिकलदरा दिखता है, मैं दिखाता हूँ, ये देखो, हो भाई साहब ये देखो, इधर से ही मैं आया हूँ। और ये था भाई वो लेक, देख रहे हो आप लोग, पूरा भाई ये जाता है उधर तक, पूरा ये ऐसे करते करते करते, कौन जाएगा उधर, क्योंकि उधर तो कुछ देखने वाला है भी नहीं, इसीलिए। ये देखो कैसे उतर रहा हूँ मैं, और यहाँ से दिखता है नज़ारा, ये देखिए आप लोग कैसे कैसे बना के रखे हैं, यहाँ से पूरा दिख जाए ऐसा बना बना के, हर जगह मैं जहाँ भी गया किला में ऐसा रहता है। तो मेरे को धीरे धीरे स्ट्रक्चर वक्चर ये सब पता चल जाता है, मतलब ये पता चल गया कि कौन सा इस, मतलब बहुत से किला में ये चीज़ कॉमन रहेगा आप लोगों को। तो दोस्तों अब हम जाएंगे आप लोगों को लेकर उस साइड, जो आप बीच में थोड़ा सा खाई देख रहे हो, इसी को पार करके जाना है, और शायद सीढ़ी उढ़ी बना हुआ है, और ये जो रोड जा रहा है ना, ये यहाँ पर शायद ये जो रखवाली करते हैं, मतलब वन पुरातत्व विभाग के लोग सब जो रहते हैं ना, वो इस घर में रहते होंगे शायद। ये जो रोड जा रहा है ना आप लोगों को दिख रहा है, इसी रोड से, और हम जाएंगे ये जो नीचा थोड़ा सा खाई आप लोगों को दिख रहा है, वहाँ से होते हुए उस साइड, इधर से ही आया हूँ और अभी जा रहा हूँ, और ये पूरा रास्ता बना हुआ है जाने के लिए, देख रहे हो आप लोग। चलो भाई साहब, अगर मेरे पास अभी ड्रोन रहता ना, या DSLR वाला कैमरा, या अच्छा वाला कैमरा, तब आप लोगों को अच्छा से दिखा पाता, लेकिन जो मेरे पास है उसी से आप लोग देख लीजिए, और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई मैं कैसे जगह पे आ गया हूँ यार, यहाँ से चलता हूँ वहाँ पे, ये जो सामने देख रहे हो ना आप लोग, वहाँ पे मैं जा रहा हूँ। तो कैसे जाऊँ मैं, ये देखो, ये अरे बाबा उतरने वाला है रे, इधर से भी अगर थोड़ा सा भी इधर गया ना भाई, हालत ख़राब हो जाएगा भाई मेरे, बहुत खतरनाक किला है यार। तो दोस्तों देखो मैं वहां से उतर के आ गया हूँ भाई, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है इधर ऐसे करके आना, थोड़ा सा भी पैर उर उधर उधर हुआ ना, कहाँ जाओगे आप लोग पता भी नहीं, मैं दिखाता हूँ, ये देखो, देखे आप लोग पूरा खाई है भाई। पहले का किला ऐसा बनाया जाता है ताकि लोग उस पर आक्रमण ना करें, लेकिन पहले के लोग भी बहुत अपने से ज़्यादा मतलब अति था, समझदार एक तरह से, भले ही लोग कुछ भी कहें, कंप्यूटर वाला के दिमाग में उतना नहीं था, मतलब कंप्यूटर जैसा तो नहीं था, लेकिन था, इसी कारण भाई ये सब किला भी जीत लेता था। देखो भाई साहब हमें मिला है ये, एक क्या मिला है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओहो कोई है तो नहीं ना, ये देखो, ओए रे बाबा रे, ये तो पूरा रूम है, पूरा गुप्त रूम है भाई। इधर से निकलने के लिए देख रहे हो आप लोग, इधर से निकलने के लिए बना के शायद रखा होगा, जहाँ तक हमको लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत से किला घूमा हूँ, इसमें ऐसा ही रहता है, बहुत से किला में एक ना एक गेट रहता है, वो शायद गेट जो आप लोगों को मैं दिखाया था शुरू में, वो इसी टाइप से गेट था, वो ऐसे ही गुप्त रहता है शायद निकलने के लिए भाई, यहाँ से रस्सी उसी लगाता होगा और निकल जाता होगा। कैसा गेट है बाबा रे, ये किला पूरा एकदम बहुत बढ़िया किला है भाई, घूमने के लिए आना कभी इधर।
आप लोग कोई भी अमरावती नागपुर आर से देख रहे हो तो वो लोग जरूर आना। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैं कैसे कैसे रास्ता से होके आया हूँ और यहाँ पर मिले हैं हमें कुछ भैया लोग। आप लोग कहाँ से हो बता दीजिए। तेलंगाना? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र, ये किधर पड़ता? ये महाराष्ट्र में, लेकिन हम तेलंगाना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये लोग भी आए हैं घूमने और हमें बता रहे थे आप ज़्यादा अंदर मत जाइए, वहाँ पर कुछ हो सकता है। तो मैं भी भाई ज़्यादा अंदर तो नहीं जाऊँगा, लेकिन जो दो ठो तालाब है वो मैं देख के आ जाऊँगा। और ये भैया लोग हमें मिले थे जो कि अच्छा लगा, यहाँ पर घूमने भी लोग आता है। और आप लोगों से भी टिकट लिया होगा? हाँ। कितना कितना लिया टिकट? 20-20 रुपया। भाई मैं बोला था ना आप लोगों को 20-25 रुपया टिकट रहता है ज़्यादातर किला में, आप जहाँ भी जाओ ज़्यादातर किला में इतना ही टिकट रहेगा आप लोगों को इंडिया में। तो चलो भाई साहब मिलते हैं, एक बार आप लोग हाई बोल दीजिए। तो भाई सर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और ये भैया लोग अपने मिले थे तो अच्छा लगा देख के कि यहाँ पर भी लोग आता है घूमने। तो चलो भैया मिलता हूँ फिर। और आप लोग ऊपर जो देख रहे हो ये पूरा पहाड़, इसी पहाड़ के ऊपर है और किला, आप लोग देख सकते हो। और ऐसा रास्ता से मैं जा रहा हूँ। और भाई मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर ना अभी बारिश का सीन हो गया है, वो मैं दिखाता हूँ। ये आप लोग देख सकते हो पूरा बारिश का सीन हो गया और ये पूरा जंगल उंगल इलाका है भाई। उसी पहाड़ को मैं उतर के आया हूँ, वो आप लोग देख सकते हो ये जो पूरा पहाड़ है ना। और भूख प्यास पूरा लग चुका है, मैं खाना नहीं खाया हूँ, हालत ख़राब है बाबा रे। ए बाबा रे, तो आप लोग देख सकते हैं कि हम जा रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। रुको जरा, सबर करो, सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं करेंगे कहे नहीं करेंगे, करना पड़ेगा, करिए। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, तब ना ये सब देख पाइएगा। ऐसा ऐसा व्यू, ये सब जो व्यू है ये कैसे देख पाइएगा आप बताइए। कोई सेंसेस बात की? जब तक सब्सक्राइब नहीं करिएगा नहीं ना देख पाइएगा, तो कर दीजिए भैया। कुछ तरीका है भीख मांगने का? तो भाई ये जो आप लोग दीवाल देख रहे हो ये पूरा किला का ही दीवाल है। और सामने जो आप लोग देख सकते हो गेट, उसी गेट के पास हमें जाना है। और ये पूरा भाई जंगली इलाका है, तो इसीलिए शायद सूर्योदय से सूर्यास्त तक यानी सनराइज से सनसेट तक इसका एंट्री रहता है, उसके बाद बंद कर देता है। इतना घना जंगल में कहीं पे भी नहीं देखा किसी किला में अभी तक। और ऐसा ज़्यादातर ना आपको महाराष्ट्र में ही मिलेगा किला पे, इतना जंगल उंगल और कहीं मिल भी नहीं सकता। और ये देखो क्या बना के रखा है भाई मेरे, यहाँ पे छुपने उपने के लिए। और भाई साहब बिजली चमक रहा है पूरा, भगवान भी फोटो खींच रहा है, बोल रहा है तू मेरा फोटो खींचेगा तो हम तुमको फोटो खींच लेंगे, नहीं तो बंद कर अपना मोबाइल। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ये देखो देखो आवाज भी दे रहा है, लेकिन हम भी ठहरे थोड़ा अनारी टाइप से, उधर तो जाके रहेंगे, बहुत खाई में आ गए हैं बाबा रे। और भाई साहब डर भी लग रहा है यार, दो दो पहाड़ को पार करके जा रहा हूँ, तो इतना नीचा आ गया हूँ पता ही नहीं चल रहा है कि कितना नीचा आ गया हूँ। देख रहे हो आप लोग ये पूरा हैं, उस उधर से जाना पड़ेगा। ये देखिए आप लोग, पूरा भाई ना नेचर वाला फील दे रहा है, एकदम शांत, ऐसा शांत मैं कहीं देखा ही नहीं। और ये देखो गेट है, गेट के ऊपर बाघ का शायद अथी कलाकृति किया गया है, कैसा कैसा आप लोग देख सकते हैं। ओहो केला से पानी पीनी भी निकल रहा है भाई, ये दादा ये देखो बाघ का दिया गया है, वो हाथी पर है, दोनों साइड बीच में फूल है,
फूल नहीं, शायद केला पत्ता का है, और ऊपर भी कुछ कुछ बना के रखा है शायद पक्षी उक्षी, और दोनों साइड ये कलश टाइप से है। और लगता है भाई बारिश आ रहा है बहुत भयानक। ये देखो, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, भाई मेरे कैसा किला है यार, पहला बार जिंदगी में ऐसा किला देख रहा हूं मैं। ओहो ये दादा, खतरनाक किला है यार एकदम, इतना भयानक जंगल में कौन बनाता है यार। ये देखिए आप लोग रास्ता, बारिश होने लगा भाई, ये देखो भाई एक और भैया आया है, यहां तक पहुंच गए ये भी, चलो आगे लेके मैं आप लोगों को चलता हूँ। तो दोस्तों ये है किला का दूसरा द्वार, एक द्वार उस साइड था, आप लोग देख सकते हो यहाँ का मौसम कैसा हो गया है। और भाई देखो यहाँ से कितना झरना है, छोटा छोटा झरना, भाई साहब कितना नीचे से हम आ गए रे बाबा, थका दिया रे पूरा। और वही झरना तब से शोर कर रहा था भाई, जब मैं वहां पर था ना तब। ये देखिए ओहो, यहाँ पर भी हाथी शेर का चित्रण किया गया है भाई। लगता है कोई और आ रहा है, ये रहा हाँ, ये देखो कैसा कैसा है। दोस्तों देखो मैं फाइनली वो तालाब भी ढूंढ ही लिया, ये आप लोग देख सकते हो उस टाइम पे पानी पीने के लिए कैसा बना के रखा गया, सामने एकदम उसके जस्ट सामने भाई बहुत बड़ा खाई है, फिर भी देखो तालाब कैसे बना के रखा है कि इसमें लगभग लगभग बोल तो रहा था सभी कि हर टाइम पानी रहता ही है। और भाई आ गया बरसा बहुत जोर का, और एक पानी उधर से आ रहा है पानी भाई साहब, लगता है दूसरा तालाब उस साइड है, ये एक है और एक और था भाई जो कि मैंने देखा था। जल्दी से मैं पहले छुपने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा।
तो भाई ये था वो दूसरा तालाब, और अभी हम जो रुके हैं ये आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। भैया लोग एकदम बॉडी सॉडी बना के रखे, मैं दिखाता हूँ। तो भाई ये जो मेरे पीछे जो मकान देख रहे हो ये है भाई वो मस्जिद, जहाँ जो बचा हुआ था इस किला के अंदर। और भी बहुत सारा चीज़ है उधर तो देखने वाला, लेकिन मैं नहीं दिखा सकता। उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि भाई साहब ये जो आप लोग देख रहे हो ना पूरा बारिश हो गया, इधर से नहीं दिख रहा होगा, हाँ अभी दिख रहा है, ये पूरा बारिश हो गया। तो बारिश में घूमना इधर बहुत खतरनाक है, क्योंकि पैर उड़ फिसलन होगा। अभी मैं सोच रहा हूँ कि जाऊँ कैसे। तो ये वीडियो को यहीं पर करता हूँ समाप्त, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए।